ये स्थान साधक जनों परमेश्वर के पास ही भक्ति करने का स्थान है। आप सच मानिएगा, भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में संसार की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता, परमात्मा उसे कभी पीछे नहीं रहने देगा। तो जो करने की चीज है भक्ति है। आप कहते हो हम समस्याओं से, विपदाओं से, संकटों से घिरे पड़े हैं, रोग हमें दुखी करते हैं, ऐसे में भक्ति कैसे हो? आपकी शिकायत सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन ठीक है नहीं। ये दास आपके सेवा में हाथ जोड़ के अरदास करता है, भक्ति करो, शेष सब कुछ अपने आप ठीक होगा। आप कहते हो नहीं, पहले सब कुछ ठीक हो फिर भक्ति करेंगे, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए संकट विपदाएं दूर नहीं होती, आप ही विपरीत दिशा में चल रहे हो। भक्ति करो माता, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। यदि ठीक नहीं होगा तो फिर भक्ति करेगा कौन? विश्वास से भक्ति करो। ऐसे स्थान, मैं ये नहीं कह रहा कि और स्थान ऐसे नहीं है, सभी स्थान जहां परमेश्वर विराजमान है वे स्थान ऐसे ही होंगे जैसा श्री राम शरणम। श्री राम शरणम को किसी भी प्रकार से देवी सज्जनों कम नहीं मानिएगा, छोटा नहीं मानिएगा, बहुत उच्च स्थान है ये। इसकी पवित्रता बना के रखना हमारा कर्तव्य धर्म है। मानो परमेश्वर से जुड़े रहना, परमेश्वर की आराधना करनी, नाम जपना, ध्यान में बैठना, भजन कीर्तन इत्यादि करना, ये सब कुछ भक्ति के अंतर्गत है, जिनसे प्रभु प्रीति की अभिव्यक्ति हो वे सब साधन भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जहां परमात्मा की प्रीति होगी वह स्थान अतिशय पवित्र होगा, होना चाहिए। यदि हम वहां पर नकारात्मक वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं तो हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं। मानो हमें उस स्थान की पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है। भक्ति की तरंगे, प्रेम की तरंगे यहां पर बैठ के उठनी चाहिए। आपकी साथ वाली महिला भक्ति की तरंगे दे रही है तो आपको लाभ होगा, आप भक्ति की तरंगे दे रहे हैं तो साथ वाली महिला को लाभ होगा। सारा वातावरण ही भक्ति की तरंगे, प्रेम की तरंगे, ज्ञान की तरंगे उठा रहा है तो सारी संगत को लाभ होगा, वह स्थान बहुत उच्च बन जाता है। जिन स्थानों पर साधक जनों ऐसा नहीं है उन स्थानों से दिव्यता उठ जाती है, वह स्थान दिव्य नहीं रहते। ईंट पत्थर के बने हुए बहुत सुंदर स्थान तो दिखाई देते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं है। वहां जाके आपको शांति मिले ऐसा नहीं लगता, वहां जाके बेटा आपके अंदर प्रेम पैदा हो ऐसा नहीं लगता, वहां जाके आपका मन स्थिर हो जाए ऐसा नहीं लगता। चंचल मन लेके व्यक्ति जाता है और अधिक चंचल बन के वहां से निकलता है। ये मतभेद की समस्या देवी सज्जनों सिर्फ हमारी ही नहीं,
नीची जाति के लोगों को बहुत से धर्मस्थल ऐसे हैं जहां जाने की इजाजत नहीं। ऐसे स्थानों पर दिव्यता होगी, परमात्मा ही जाने, मैं कुछ नहीं कहता। एक सच्ची घटना देवी विदेश की, वहां भी ऐसी बातें होती थी, अब भी होती हैं। एक चर्च है, वहां के पादरी गोरे हैं, वे कालों को भीतर घुसने नहीं देते, बहुत कट्टर है। जैसे अर्ज की, हमारे यहां भी ऐसे धर्मस्थल हैं जहां नीच जाति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। आप धर्म स्थानों को छोड़िए, घरों में प्रवेश नहीं करने देते, अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां आपका खाना बनता है, वहां नीची जाति का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, अभी भी प्रचलित हैं। फर्क तो बहुत है, लेकिन अभी भी ऐसा है। ये पादरी बहुत कट्टर है, किसी काली को चर्च में घुसने नहीं देता। आज किसी ने हिम्मत करके तो कोई काला वहां गया है, उसे कहा, मित्र तेरा मन अभी साफ नहीं, अतएव तुम्हें चर्च में आने से कोई लाभ नहीं होगा, जब पहले मन पवित्र करके फिर आना। फिर किस लिए आना है? मन पवित्र करने के लिए ही तो व्यक्ति आता है, रोग दूर करने के लिए ही तो अस्पताल जाता है। यदि रोगी है, उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? ये उस पादरी की धारणा इस प्रकार की है। ये बेचारा मुंह लटका के चला गया है वापस, उसके आगे कोई चल नहीं सकती। बाहर जाके साधना की है, कीमत देके सब साधना की, पेट की रोजी के लिए सुबह से लेकर रात तक कमाई करते हो, खून पसीना बहाते हो, कितने घंटों के लिए? मन की सफाई के लिए, आत्मा की सफाई के लिए कितना समय प्रयोग करते हो? तनिक सोच विचार करो, बात तो उसकी है। इस कमाई से क्या होगा? कल को दुनी दुनी थे, आज लाला दुनी चंद हो गए, बस इससे अधिक तो कोई कमाई नहीं है। इससे अब तो जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मन बिल्कुल वैसे का वैसा ही खोटा है, आत्मा वैसी की वैसी ही मलिन है। मानो अगले जन्मों की तैयारी है। जाके साधना की है, परमेश्वर की कृपा हुई। साधना जरूरी नहीं की है, चर्च में ही की जाए, मंदिर में ही की जाए, गुरुद्वारे में बैठ के भी की जाए, कहीं भी की जाए, जहां भी साधना की जाएगी वहां अपना रंग दिखाते रहेगी, कहीं भी करके देख लीजिएगा। ये साधना की महिमा है। मन पवित्र हुआ, मन पवित्र हुआ तो निरोग मन हो गया, तो शांत मन हो गया, अशांति की सारी बातें बीच में से निकल गई, चंचलता की सारी बातें निकल गई, मन अचंचल हो गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है, चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता है, अद्भुत सा नूर है चेहरे पर, उस काले व्यक्ति पर आभा है, उसके चेहरे पर शांत चेहरा हो गया। संयोग की बात है, आज वही पादरी सफेद इस व्यक्ति को देख बहुत चकित, बड़ा शांत मुद्रा में कहीं खड़ा है, कोई परवाह नहीं उसे, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं उसे। पादरी को ही बुलाना पड़ा, भाई आप एक दफा चर्च में आए थे, अनेक वर्ष बीत गए, उसके बाद कभी आप आए नहीं। व्यक्ति कहता है, पादरी महोदय, परमात्मा स्वप्न में आए थे, मुझे आके कह गए,
तुझे उस चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 वर्ष से मैं कोशिश कर रहा हूं उस चर्च में जाने की, उस पादरी ने मुझे ही चर्च में नहीं जाने दिया, तो तुम्हें कहां जाने देगा? जहां मतभेद होते हैं देखो सज्जनों, जाति भेद होते हैं, किसी भी प्रकार का भी मतभेद है जहां पर, वहां दिव्यता नहीं रहती, वहां से दिव्यता उठ जाया करती है। परमेश्वर कृपा बनी रहे देवियों सज्जन, हमारी मति ठीक रहे, मतभेद न उत्पन्न हो। जो आनंद दूसरों का कहना मानने में है, वह कहना मनवाने में नहीं है। सच मानो इस बात को, पर किसी न किसी को तो कहना मनवाने वाला बनना ही पड़ता है। जो आनंद कहना मानने में है, वह जो आनंद छोटे बन के रहने में है, वह बड़ा बनने में नहीं है। जो आनंद शिष्य बन के रहने में है, वह गुरु बनने में है।